फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक हेल्दी वेजिटेबल सूप की रेसिपी लाई हूँ। इसके लिए चाहिए एक गाजर, थोड़ा सा लौकी, 4 टमाटर और थोड़ा सा धनिया और आधा चुकंदर। इसके लिए आप सब्ज़ी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी सब्जियों को फिर हम लोग चॉप कर लेंगे। सारी सब्जियों को चॉप करने के बाद एक पैन में थोड़ा सा घी डालकर सारी चॉप सब्जियां डाल देंगे। फिर एक मिनट के लिए हम उसे सॉटे करेंगे। ये टमाटर डाल दिया, अब थोड़ा सा सॉटे करेंगे, फिर बची हुई सारी सब्जियां हम उसमें डाल देंगे। बीटरूट, धनिया, अब एक मिनट के लिए उसे सॉटे करेंगे। थोड़ा सा घी डालकर सॉटे करने से सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप धनिया ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उससे सूप का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे बॉईल करने के लिए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ा सा शुगर, ब्राउन शुगर यहाँ पर मैंने लिया है, आप चाहिए तो वाइट शुगर ले सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इन सब को मिक्स करके हम कुकर की लिड बंद कर देंगे और 3 से 4 विसल आने देंगे उसे। फिर इसको हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे, और ठंडा होने के बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड होने के बाद इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे, और स्ट्रेन करने के बाद हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। बस, तो लीजिए, एक हेल्दी वेजिटेबल सूप आपके लिए तैयार है। एंड बिलीव मी दोस्तों, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि हम जब इसे सॉटे करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे घर की मलाई को फेंट कर, इससे हमने गार्निशिंग की है। वाओ, Isn't it looking lovely? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।